हेलो दोस्तों, आई एम तब्रेज फ्रॉम देसी रेंडर्स। तो आज ये ब्लेंडर एक्सरसाइज का सबसे पहला वीडियो है। तो इस टाइप की वीडियोस में हम स्टार्ट टू फिनिश कोई भी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों को क्रिएट करेंगे और प्रैक्टिकली ये भी देखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा टेक्सचरिंग और लाइटिंग पर भी वर्क करेंगे ताकि एक डिसेंट आउटपुट हमारा आ जाए। फिलहाल आज के लिए मैं ये हार्ड ड्राइव मॉडल करने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लेंडर का सबसे लेटेस्ट वर्जन है 4.2। एंड जब आप ब्लेंडर पहली बार ओपन करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसको हम ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करेंगे, देन एक्स एंड डिलीट। एंड आप टॉप व्यू में जा सकते हो ये की प्रेस करके, यहाँ पे आपको सारे व्यूज़ का ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड आप चाहो तो इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो टॉप व्यू को हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपको सारे शॉर्टकट यहाँ साइड में दिख जाएंगे जो भी कीज़ में यूज़ कर रहा हूँ इसमें। एंड इसके बाद हम शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब लेंगे एंड इसको स्केल करेंगे अपने रेफरेंस के हिसाब से। रेफरेंस को भी हम थोड़ा सा सेंटर में ले आएंगे और अपने रेफरेंस को हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि इसको साइड बाय साइड हम देख के वर्क कर सकें। तो मैं ये वाला इंपोर्ट कराता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है। तो इसकी थिकनेस हम सबसे पहले कम करेंगे मॉडल के हिसाब से। ओके, सो अभी शेप को हमने इसके डायमेंशन के हिसाब से कर लिया, अब हम इसको एडिट मोड में जाके चेंज करेंगे। उसके लिए आप टैप प्रेस कर सकते हो या आप यहाँ से जा सकते हो। तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे एंड यहाँ से हमें इसको बेवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बॉटम वाला पार्ट बेवल करेंगे। उसके लिए आप सिंपली शिफ्ट होल्ड करके आप सारे एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर लूप है तो आप ऑल्ट होल्ड करके पूरा लूप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो एक बार क्लिक करके। एंड देन हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, आप माउस व्हील से सेगमेंट कम ज़्यादा कर सकते हो। बट अभी आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बेवल सही से वर्क नहीं कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम एडिट मोड के बाहर निकलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में तो इसका जो स्केल है वो 1 नहीं है, ये सब डिफरेंट हो गया है क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट मोड में बहुत बार स्केल किया है। ये आप देख सकते हो, जब आप इसको स्केल करते हो तो ये चेंज हो जाता है। तो जो भी मॉडिफायर या डिफॉर्मर इस पर अप्लाई होता है वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करता है, तो जिसके हिसाब से रिज़ल्ट थोड़ा वियर्ड हो सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे एंड स्केल अप्लाई करोगे, ये 1-1-1 हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारा बेवल कैसे वर्क कर रहा है। अब देखो ये सही से काम कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बेवल की सेटिंग में आप आके इसके सेगमेंट थोड़े बढ़ा सकते हो, हार्ड एंड नॉर्मल एक्टिवेटेड रखना है। एंड एक चीज़ आप और नोटिस करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा पिंच जाइए इस डायरेक्शन में। तो इसको हम एस और जी प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा हम स्केल करेंगे जी में, इतने पार्ट को बस। ओके, एंड अब हमें ये कॉर्नर वाले पार्ट को बेवल करना है। अगर आप रेफरेंस में देखो तो ये अब इस पार्ट को हमें बेवल करना है। उसके लिए हम ऑल्ट होल्ड करके ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन शिफ्ट एंड ऑल्ट ये वाला एंड देन ये। अब इसको हम बेवल करेंगे इसके वैल्यू के हिसाब से, ये कुछ इतना सा है आई थिंक। एंड सेगमेंट भी ठीक है आई गेस, तो ये शेप अभी कुछ ऐसा आ गया है। एंड सबसे जो टॉप वाला पार्ट है ये भी थोड़ा सा बेवल्ड है, ये सेम चीज़ भी हम क्रिएट करेंगे। ऊपर वाला लूप सेलेक्ट करके देन कंट्रोल बी, यहाँ पे सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। आई थिंक बेवल वैल्यू ठीक है। इसके बाद आप सेंटर पे देखोगे, एक ये डिटेल है और एक सॉकेट वाली, तो इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे। एडिट मोड में जाके कंट्रोल आर
फिर से हम लूप ऐड करेंगे एंड देन कंट्रोल बी, सेगमेंट कम करके इसको हम कुछ इतना सा शेप कवर करेंगे। थोड़ा सा इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो इस टॉप वाले पार्ट को सेपरेट करेगी ये वाला, एंड इसकी डिटेल यहाँ से इसको भी हम डालेंगे। इसको हम यहाँ से इतना कवर कर सकते हैं। आप ये लूप सेलेक्ट करके डबल जी प्रेस करोगे तो एज स्लाइड होता है ऊपर नीचे, तो हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। एंड अब हम इसमें होल करेंगे सॉकेट वाली स्पेस बनाने के लिए। इसको सेलेक्ट करके आप पहले ई प्रेस करोगे तो इस यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हो। तो हमने अभी इंसर्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट फेसेस, एंड इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो बाद में भी। एंड अब इसको हम अंदर की साइड पे एक्सट्रूड करेंगे, ये हमें कुछ ऐसे डिटेल मिल गई। आई थिंक इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, तो ये आई थिंक अब ठीक है। एंड अब हमें इस कॉर्नर को भी स्मूथ करना पड़ेगा, ये बिल्कुल शार्प नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सेलेक्ट करो, इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी, थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको कुछ हम इतना स्मूथ रखेंगे। एंड इसके बाद ये वाली डिटेल है इसको भी सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो ये डिटेल हो गई ऐड, एंड अब बचती है ये वाली डिटेल। सिंपली हमने एक लूप ऑलरेडी डाल रखा है, यहाँ इसको हम एक बार बेवल करेंगे विद ज़ीरो सेगमेंट। एंड अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप इसको शिफ्ट होल्ड करके करोगे तो ये बहुत ही स्मूथली होगा। ओके, तो इस पर हम बहुत ही कुछ कम सा रखेंगे, लाइक 0.003 और समथिंग। एंड इसके बाद आई प्रेस करेंगे अगेन, एंड शिफ्ट आप होल्ड रखना, होल्ड करके रखना, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेप्थ का, जो फेस सिलेक्टेड उसको अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया। अब बचा है इसको बेवल करना, जो आउटर पार्ट है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी। ओके, सो ये डिटेल भी आ गई है। सो अभी आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ शेडिंग इशू का प्रॉब्लम है। इसको फिक्स करने के लिए आप एक वेटेड नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, इसमें देख सकते हो विदाउट दिस ऐसा, विद दिस कुछ ऐसा, बट यहाँ पे आपको कुछ इशू दिख रहा है। तो आप चाहो तो इसको बेवल कर दोगे तो ये हट जाना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं। या फिक्स हो गया, तो आप अंदर का ये फेस लेकर के इसकी एक कॉपी लोगे शिफ्ट डी प्रेस करके, एंड जी प्रेस कर देना ताकि वो इसी डायरेक्शन में हो। एंड देन इसको सेपरेट करने के लिए पी प्रेस करोगे तो ये अब इस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो सिंपली हमें ये ऊपर वाला आप समझ सकते हो कि ये पार्ट मिल गया है। एंड आप फ्रंट व्यू में जाके अब इसकी मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ऊपर लोगे एंड यहाँ पे एक्सट्रूड करोगे आप, एंड देन यहाँ को सेंटर में आप लेके आओगे अच्छा से, एंड देन आप फिर अगेन ई प्रेस करके इसको यहाँ तक ले जा सकते हैं। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ से स्नैपिंग एक्टिवेट कर सकते हो, एंड यहाँ पे वो वर्टेक्स। ओके, सो अब आप जब जी प्रेस करोगे तो और इसी डायरेक्शन में हो, एंड यहाँ पे ले जाओगे कर्सर तो ये इसको स्नैप कर देगा, तो ये इसके एकदम बिल्कुल इसी सेम पोजीशन को लॉक कर देगा यहाँ पे। एंड इसके बाद
इसको आप फिल कर सकते हो। सबको सेलेक्ट करो, यहाँ पे एफ प्रेस करो, इसको आप डिलीट करके बीच में लूप डाल सकते हो कंट्रोल आर प्रेस करके। तो ये बेसिकली हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ इसको और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। वैल्यू यहाँ पे कम ही रखना, ये कुछ इतना एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कुछ इतना, यस। एंड इसको आप टॉप पे ले आओगे ऐसे, कुछ अपने रेफरेंस के हिसाब से। इसको भी आप थोड़ा सा बेवल दे सकते हो। एंड यहाँ पे भी हमें बेवल ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब इसको हमें थिकनेस देनी है जैसे इसमें है। यहाँ पे आप सर्च करोगे सॉलिडिफाई एंड इसको यहाँ पर सेलेक्ट करोगे एंड वैल्यू हमें बहुत ही कम रखनी है। आप चाहो तो आउटर की साइड पे, लेकिन आउटर की साइड पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है एंड आई थिंक इसको हमें थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसको हम एस और जी, एस एन एक्स, तो अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेटली हम इसको मैच कराएंगे, ये कुछ ऐसे। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल गया। ओके, सो अभी के लिए ये ठीक है। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा बेवल दे सकते हो एक बेवल मॉडिफायर यूज़ करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओके, एंड सेगमेंट इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे हार्ड नॉर्मल पे क्या को एक्टिवेटेड रखेंगे। यहाँ पे एक बार हम ऑटो स्मूथ करके देखेंगे। हाँ, ये शेडिंग इशू फिक्स हो गया। यहाँ से आप इसका एंगल बढ़ा सकते हो एटलीस्ट इतना। ओके, तो अभी के लिए ये वर्क करेगा। तो हमारे पास बेसिक हो अभी ये आई थिंक हमको ये सेंटर वाला जो प्लास्टिक का या मेटल का जो भी होता है इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आप दोनों फेसेस को सिलेक्ट करोगे। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। जब आप एडिट मोड में रहोगे तो ये इसको ऑफ करके ये शो करेगा पूरा मैश। बाहर निकलोगे तो ये मॉडिफायर के साथ दिखा रहा है। तो इनको सिलेक्ट करके आपको शिफ्ट डी प्रेस करोगे एंड जी, तो ये कुछ ऐसे एक्सट्रूड हो गया एंड इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। एंड इस फेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम नीचे ले आएंगे। ओके, सो आई थिंक ठीक है ये अभी के लिए। अब बात आती है टेक्सचरिंग की, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहले हमें ये ब्रश्ड मेटल का टेक्सचर चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। उसको हम गूगल पे निकाल सकते हैं, बट उससे पहले हम इसमें मटेरियल असाइन करेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से दूसरा व्यू लेके शेड एडिटर में जाओगे एंड इसको सिलेक्ट करके पहले देख लो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसमें कोई मटेरियल है, तो एक ऑलरेडी है, तो इसको हमने असाइन कर दिया। एंड मटेरियल को चेक करना है तो आप सबसे पहले आप यहाँ साइकिल्स पे आ सकते हो, देन जीपीयू एंड अब रेंडर में जा सकते हो। तो ये पूरा फुल रेंडर सीन दिखेगा, बट अभी हमें मटेरियल असाइन करना है तो हम सिंपली मटेरियल में भी आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे होता है शेडेड मटेरियल एंड रेंडर। तो हम मटेरियल में आएंगे और यहाँ पे अभी पूरे ऑब्जेक्ट पे बस एक मटेरियल असाइन है। तो सिंपली अगर हम इससे मैच कराएं तो यहाँ पे नीचे प्लास्टिक है, ऊपर भी प्लास्टिक है, बट वो ब्रश मेटल वाला टच है उस पर। तो ये हो गया प्लास्टिक एंड इसका डिफ्यूज कलर हम ब्लैक के साइड पे रखेंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू मटेरियल, ये है ब्रश्ड। जहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट ये अभी असाइन नहीं है इस पर,
तो एडिट मोड में जाके फेस पे जाओ, ये सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल प्लस नम पैड का, तो ये सिलेक्शन ग्रो करता है। तो आप देख सकते हो आपको कितने पार्ट पे चाहिए, तो आई थिंक इतना ठीक है। आप सिंपली इस पे आओ और असाइन कर दो। तो ये हमें दो सेपरेट मटेरियल सेम ऑब्जेक्ट पे मिल गए। एंड इसके बाद ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है, तो यहाँ से हम प्लास्टिक वाला सिलेक्ट करके इस पर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यानी रफनेस कम करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये इतना कुछ है। जहाँ पे है ब्रश्ड मेटल, तो उसके लिए आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो ब्रश्ड मेटल टेक्सचर, तो आप यहाँ से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। एंड टेक्सचर सेव करने के बाद आप सिंपली टेक्सचर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। यहाँ पर हम इसको असाइन करके चेक करते हैं। इसको हमें बेसिकली रफनेस में डालना है क्योंकि तो रफनेस को इफेक्ट कर रहा है। एंड रेंडर व्यू में जाके अगर क्योंकि रेंडर व्यू बेसिकली जो फाइनल लाइटिंग होगी कुछ वैसा यहाँ पे शो करता है। अभी हमने कोई लाइटिंग नहीं कर रखी है, तो हम यहाँ कुछ इनबिल्ड HDRI होती है, यहाँ से उसको अनचेक करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमें कुछ दिख नहीं रहा। सबसे पहले अपना टेक्सचर हम डिफ्यूज़ में डाल के चेक करते हैं। तो देखो अभी हमने गलत स्लॉट में डाल रखा है, इसको होना चाहिए ब्रश्ड मेटल में। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ प्लास्टिक वाले से इसको हटा देते हैं एंड इसको हम रेफरेंस के हिसाब से चेक करते हैं। तो ये डायरेक्शन सबसे पहले हमारी गलत आ रही है, तो इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो, तो आपको ये मैपिंग और कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे यूवी नहीं ऑब्जेक्ट पे लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉक्स मैपिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेक्सचर तो ठीक है बट स्टिल इसमें रिपीटेशन दिख रही है। तो या तो आप मेहनत करो, सीमलेस टेक्सचर डाउनलोड करो, या तो आप प्रोसीजरल भी जा सकते हो। वो कैसे मैं भी दिखाता हूँ। तो इस टाइप की प्रोसीजरल टेक्सचर के लिए सिंपली हम नॉइज़ ऐड करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी। एंड ये सब सारे शॉर्टकट को कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे एक्टिवेट करना, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, तो आप जाके इसको देख सकते हो। तो इसको चेक करते हैं हम, ये भी पैटर्न कुछ ऐसा आ रहा है। तो बेसिकली हमें इसको ये ब्रश्ड वाला लुक एंड फील देना है। तो सबसे पहले इसकी हम स्केलिंग ठीक करेंगे लाइक 50 एंड इसको स्ट्रेची बनाना पड़ेगा अपने रेफरेंस के जैसा। तो हम वाई एक्सेस में इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं एंड आप चाहो तो स्केल इसका और इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक ये स्केलिंग अभी ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले एक कैमरा सेट करके फिर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो एक कैमरा ऐड करते हैं हम एंड कैमरे से देखने के लिए आप या तो ज़ीरो प्रेस कर दो या आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेट एक्टिव कैमरा का ऑप्शन मिलेगा एंड टी प्रेस करके आप इसको हाइड कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा फ्रेम के बाहर दिख रही है विजिबिलिटी जो है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो अगर ये डिस्टर्बिंग लगे तो, इस ऑप्शन से। एंड कैमरे को आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो ऐसे, या फिर आप चाहो तो सिंपली एन प्रेस करके आप यहाँ पे कैमरा टू व्यू चूज़ कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे, और इसके लिए हम थोड़ा सा अपना फोकल लेंस चेंज करेंगे और लॉन्ग रेंज लेंस यूज़ करेंगे हम जस्ट लाइक द रियल वर्ल्ड। ओके, आई थिंक ये कुछ सही दिखेगा। सो अभी सीन में कोई भी लाइटिंग नहीं है, तो हम एक सिंपली HDRI ऐड कर लेते हैं इसमें। तो आप शेडर एडिटर में या वर्ल्ड सेटिंग में जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे इन कंट्रोल टी। सो अभी कोई भी इमेज यहाँ पे प्लग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पिंक दिख रहा है। इसको आप ओपन करोगे, आपने जहाँ भी HDRI सेव करी है उसको आप चूज़ करोगे
सो ये सारी HDRI इमेजेस आप पॉली हेवन, HDRI हेवन कहीं से भी आपको फ्री में मिल जाएगी, आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये वाली अभी के लिए चूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड एक फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ओके कुछ ऐसे। एंड इसको भी हम एक सिंपल मटेरियल दे देते हैं, डार्क सा, ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा विजिबल हो। अब चाहो तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो दिख रही है व्यूपॉइंट में, इसको ऑफ कर सकते हो यहाँ से। एंड ये पैटर्न, अब हम इसके शेडर पे वर्क करते हैं। मटेरियल असाइन हो गया है, नॉइस पैटर्न मिल गया है। अब इसको मेटल वाला जो ब्रश्ड मेटल है ये वाला फील कैसे देना, इसको हम देखते हैं। तो सिंपली पहले हम मेटालिक एक्टिवेट करेंगे, एंड इसको हम एक बार बम्प में चेक करते हैं कि कैसा लुक एंड फील आ रहा है इसका। इसको हाइट में डालेंगे और इसको नॉर्मल में। इसकी इंटेंसिटी हम बहुत ही कम रखेंगे, बिल्कुल मिनिमम सी। एंड थोड़ी सी हम HDRI की लोकेशन रोटेशन चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करके। ऐसा एंड इसके इंटेंसिटी थोड़ी सी हम और कम करते हैं। एंड इसी सेम नॉइस को हम डालेंगे अपने रफनेस में। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, बट इसकी हमें इंटेंसिटी भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। उसके लिए आप मिक्स कलर यूज़ कर सकते हो। सिंपली इसको यहाँ डालेंगे ए में। सो ये जितना ए के पास होगा टेक्सचर उतना ज़्यादा विजिबल होगा, जितना बी के पास जाएगा तो ये कलर विजिबल होगा। ओके सो कलर को थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इसको येलोइश साइड पे लेके जाते हैं, आई थिंक 0.15। एंड इसको हम रखेंगे 0.6 के आसपास। एंड इस रफनेस को हम थोड़ा सा और कम करेंगे ताकि इसका मेटेलिक फील थोड़ा बाहर निकल गया है। आई थिंक सारी चीज़ें सही हैं, बस इसके ग्रेन्स थोड़े मुझे ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 50 करेंगे। नाउ दिस लुक्स नाइस। या फिर हम इसको और बढ़ा के यहाँ से इसका स्केल कम कर देते हैं, तो ताकि इससे थोड़ा सा मैच कर जाए। आई थिंक अभी तो काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। एंड उसके बाद इसका जो ये जो भी USB जहाँ पे इसमें प्लग होती है, उसको भी हम सिंपली एक मेटल का टेक्सचर देंगे। इसमें हम सिंपली एक मेटल मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बीच वाला पार्ट प्लास्टिक का है, तो इस पर एक नया मटेरियल, एंड इसमें मेटालिक एक्टिवेटेड नहीं होगा। और ये इसको असाइन करना पड़ेगा ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके। तो आप L प्रेस करके माउस इसके ऊपर ले जाओगे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और ये असाइन। तो अभी ये वाइट मटेरियल है और ये मेटालिक है। सो जैसा कि अपने रेफरेंस में है, ठीक है। ओके सो हम कैमरे में चाहे तो डेप्थ ऑफ फील्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिज्म आ जाएगा इसमें। एंड डेस्कटॉप फील्ड आप यहाँ कैमरे की सेटिंग में एक्टिवेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एफ स्टॉप को हम कम करेंगे ताकि एक्चुअल में वैल्यू चेक कर पाएँ कि ये कैसा आ रहा है। सो अभी ब्लर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चाहो तो इसके डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, तो ये कहीं बीच में फोकस लेगा। आई थिंक 10 ही ठीक है, या फिर 11 और 10.5। ओके इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके दिस लुक नाइस। एंड अभी एक और चीज़ है, अगर आप रेफरेंस में देखो तो ये एक लाइट है
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इसका लोगो तो हमें चाहिए। तो ये लोगो सबसे पहले आप गूगल से निकाल सकते हो और उसको एज ए PNG हम अलग से सेपरेट प्लेन पे यूज़ करेंगे ताकि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब ना करें। बाकी बहुत सारे मेथड होते हैं इस टाइप के लोगोस को लगाने के लिए, बट अभी के लिए या तो इसको आप 3D मॉडल करो या तो सिंपली PNG टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे PNG यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे सीगेट लोगो, आई थिंक ये ओल्ड लोगो है, ये वाला टेक्सचर मिल गया है। इसको सिंपली हम डाउनलोड करेंगे और इसको फोटोशॉप इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन बनाएंगे। ओके, तो फोटोशॉप में इसको इंपोर्ट कराएंगे हम एंड सारा वाइट पार्ट आपको यहाँ पे कंटीजियस पेन चेक करना है ताकि ये इन सब के अंदर भी सिलेक्ट कर ले। इन सब को सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट, यहाँ से इसको भी डिलीट और इसको हम ऐसे एज ए PNG सेव कर लेंगे। और इसके बाद सिंपली हम एक प्लेन लेंगे यहाँ, सो आप शिफ्ट एंड राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3D कर्सर आ जाएगा। तो आप उसके बाद जो भी प्लेन क्रिएट करोगे या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करोगे वो वहीं पे स्टार्ट होगा या वहीं पे बनेगा वो। एंड इसको यहाँ आई थिंक कुछ इतनी स्पेस एक्वायर करेगा ये, एंड इस पे न्यू मटेरियल लोगो एंड सिंपली हम अपना PNG टेक्सचर यहाँ पे लगाएंगे। सो कलर यहाँ कलर पे, एंड आप चाहो तो इसको यहाँ से देख सकते हो, एंड आप अल्फा को अल्फा में डालोगे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये स्ट्रेच सा लग रहा है तो सिंपली आप UV एडिटर में आओगे और इसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाओगे और यहाँ इसको सिलेक्ट करके U प्रेस करके रैप करोगे। तो आप सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हो, इसकी प्लेसमेंट आप कुछ ऐसे कर सकते हो। तो ये मिल गया हमें हमारा लोगो, आई थिंक ये इस पोजीशन पे ठीक है। एंड इसको हम बम्प में भी ऐड करेंगे। तो बम्प में डालने के लिए सिंपली हम बम्प नोड ऐड करेंगे, यहाँ कलर को हाइट में और इसको नॉर्मल में, एंड इसके वैल्यू थोड़ी कम रखेंगे। और ये थोड़ा सा एक्चुअल में बल्जी सा फील देता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल अगर है तो अच्छा है। इसको आप म्यूट करके देख सकते हो, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। ओके, सो हार्ड ड्राइव रेडी है, लाइटिंग हो गई है, टेक्सचरिंग हो गई है। अब इसका एक अच्छा सा रेंडर निकाल के चेक करते हैं हम। एंड रेंडर सेटिंग के लिए सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं मैं करता, ये सैम्पल तो जितनी आपके रिक्वायरमेंट हो, बट 512 पे अच्छा खासा आ जाता है। एंड यहाँ पे आप लाइट ट्री ऑफ कर सकते हो एंड लाइट पाथ पे रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्शन कॉस्टिक में, क्योंकि कॉस्टिक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब रिफ्लेक्टिव या वाटरी सरफेस होती है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर यूज़ करता है। एंड परफॉर्मेंस में ऑटो डिटेक्ट, एंड यहाँ आप इसको 512 कर सकते हो जो कि ग्राफिक कार्ड के हिसाब से होता है। ये मेरे पास RTX 2060 है, उसके हिसाब से ये सेटिंग्स सही वर्क करती है। ओके, सो एंटर करते हैं। ओके, सो ये रहा रेंडर, एंड आई थिंक इसमें थोड़ा सा मेटालिक फील और आना चाहिए। यहाँ पे जो इसके पैटर्न्स हैं थोड़ा ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है। इसको हम एक बार ट्विक करके फिर से चेक करते हैं। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखो ये 1 पे, यहाँ पे बस ये बम्प वाला शो कर रहा है, और जब हम इसको थोड़ा सा फैक्टर को एक ही साइड में ले जाते हैं तो रिफ्लेक्शन वाला भी शो करता है।
स्टार्टिंग 0.85 या ऐसा कुछ सही रहेगा। थोड़ी सी हम बम के वैल्यू को ट्विक कर सकते हैं, आई थिंक उतनी रहने देते हैं, ठीक है। इसको 0.9 ही कर देते हैं। एंड नाउ चेक, ओके सो दिस लुक्स नाइस। सो अभी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे सरफेस इम्परफेक्शन, स्क्रैचेस, डस्ट, जो भी हम रियल लाइफ में देखते हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए एक बिगिनर लेवल पे आई थिंक दिस इज़ इनफ। तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या कोई फीडबैक हो एनीथिंग, और कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।